सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदेवर नेमी चंद मकलंकम गुणिरयण भूषणुदयम जीवस्य परो विनम बोच्यम ओम रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधो पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। धर्म के मूल आधार स्तंभ देवर गुरु, इनकी यथार्थ पहचान करने हेतु और धर्म करने के लिए अपनी भूमिका का यथार्थ ज्ञान करने हेतु गुणस्थान की प्रारंभिक भूमिका पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें यहां तक अपन विषय देख चुके हैं कि नाम तो गुणस्थान है पर ना तो यहां गुण है और ना यहां स्थान मतलब जगह है। गुण का अर्थ पृथकता है और स्थान का अर्थ समूह है, यानी जीव की उन पर्यायों का समूह कि जिनसे एक ही जीव अलग अलग दिखने लगता है उन्हें गुणस्थान कहते हैं। यद्यपि प्रत्येक गुणस्थान में तीन चीजें होती हैं, शुद्धता अशुद्धता और तदनुकूल शरीर आदि की क्रियाएं, परंतु शरीर आदि की क्रियाएं अपने से पूर्णतया भिन्न परद्रव्य का परिणमन होने से उससे गुणस्थानों का कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार शुद्धता अनेकों गुणस्थानों में एक सी होने के कारण उनसे भी गुणस्थानों का भेद नहीं बनता। जो अशुद्धता है एकमात्र उससे गुणस्थानों का भेद बनता है। यद्यपि अशुद्धता भी अनेक प्रकार की है, अनेक अनेक गुणों की पर्यायों में है, परंतु गुणस्थानों के भेद में एकमात्र मोह और योग रूप अशुद्धता लेनी है, यानी श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, चारित्र गुण का विपरीत परिणमन और निष्क्रियत्व गुण का विपरीत परिणमन। बस इन अशुद्धताओं को लेकर के गुणस्थानों के 14 भेद बनते हैं जिस पर अपन ने चर्चा की है। सुबह एक भाई पूछ रहे थे कि सभी प्रकरण स्पष्ट नहीं हुआ, मिथ्या तो अनंतान बंधे तो एक साथ नष्ट होती है, फिर एक पहला दूसरा गुणस्थान अलग अलग कैसे, थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें। वैसे कल का यदि ध्यान पूर्वक सुना होता तो उसमें इसका समाधान था। ये 14 गुणस्थान इस क्रम से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये तो जितने जो भी प्रगट हैं गुणस्थान उन सबको पहले इकट्ठा किया और फिर किस में कितनी अधिक विकृति उसके अनुसार उन्हें एक क्रम में रखा है, यानी इस क्रम से उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो उदाहरण लिया था ना बच्चों की रैली का कि उस क्रम से वो उत्पन्न नहीं है, जन्मे नहीं है, कोई योग्यता भी नहीं, पर रैली अच्छी लगे, देखने में सुंदर दिखे तो हाइट के हिसाब से बच्चों को खड़ा करते हैं। बस ऐसे ही यहाँ कि जो अशुद्धियां हैं तो सबसे अधिक किस में, फिर उससे कम किस में, उससे कम किस में, तो उस क्रम से इनको रख दिया है। ये यदि बात ख्याल में रहेगी तो इस संबंधित सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। एक बात तो ये, अब दूसरी बात कि एकदम
स्थूल कथन में ये निरूपण होता है कि मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व इनका एक साथ समापन हो जाता है। यानी श्रद्धा गुण की बस दो ही दशाएं, या मिथ्यात्व या सम्यक, या उल्टी उल्टा रहेगा परिणमन या सीधा रहेगा। पर यह बहुत स्थूल कथन है, सूक्ष्म कथन में ऐसा नहीं है। श्रद्धा गुण के परिणमन की तीन प्रकार की दशाएं, एक तो पूर्णतया विपरीत, एक कुछ विपरीत, एक इस तरह की गड़बड़ी संपन्न कि है तो दोषपूर्ण पर उससे मोक्ष मार्ग समाप्त नहीं होगा। दोष तो लगेंगे तो आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, श्रेणी का आरोहण तो नहीं कर पाएंगे, पर जहां तक वो विद्यमान है वहां तक का मोक्ष मार्ग उससे समाप्त नहीं होगा। और इसके साथ ही जो अनंतानुबंधी चतुष्क, उसका भी संबंध श्रद्धा की विपरीतता के साथ, क्योंकि मिथ्यात्व का मूल स्वरूप है विपरीत अभिनिवेश। पुरुषासिद्धि उपाय का यदि स्वाध्याय किया हो तो वहां तो विपरीत अभिनिवेश परिभाषा ये दी, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निस्तत्वम यत् तस्माद् अविचलनम सैव पुरुषात् सिद्धिपायोयम्। यानी विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व तो कहा है। तो जिन जिन संबंधी विपरीत अभिनिवेश हो, श्रद्धा संबंधी विपरीत अभिनिवेश होगा तो वो भी, और अनंतानुबंधी संबंधी विपरीत अभिनिवेश होगा तो वो भी, विपरीत यानी उल्टा अभिनिवेश, आग्रह, अभिप्राय, सोच, मान्यता, प्रतीति, तो वो सबका एक नाम मिथ्यात्व। श्रद्धा संबंधी विपरीत अभिनिवेश को सीधा मिथ्यात्व कह देते हैं, और चारित्र संबंधी विपरीत अभिनिवेश को अनंतानुबंधी कहते हैं। श्रद्धा संबंधी विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व और चारित्र संबंधी विपरीत अभिनिवेश को अनंतानुबंधी। चूंकि ये दो अलग अलग स्थितियां हैं इसलिए गुणस्थानों के भेद में इनको लेकर के दो अलग अलग गुणस्थान बन गए। ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व कि वो भी एक अलग प्रकार की विकृति, न सम्यक तो है न मिथ्यात्व है, दोनों का ही मिश्रण, तो वो एक तीसरी दशा हो गई। इसलिए शुरू के तीन गुणस्थान इनको लेकर के बन गए। सम्यक प्रकृति कि उससे दोष तो लगते हैं सम्यक तुम्हें, पर ऐसे दोष नहीं लगते कि जिससे मोक्ष मार्ग समाप्त हो जाए। इस कारण गुणस्थान के भेद बनने में उसका कोई योगदान नहीं। बस इन तीन का शुरू वालों का मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, तो इनको लेकर के शुरू के तीन गुणस्थान बने। यद्यपि अनंतानुबंधी का अकेला रहना बहुत अल्पकाल के लिए होता, और किसी किसी जीव के, कल अपन ही चर्चा कर चुके कि दूसरा गुणस्थान पाए बिना भी मोक्ष हो जाता, तो हर एक को दूसरा आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है, किसी किसी जीव के, और वो भी अति अल्पकाल के लिए, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक छियावली, बस इतना। और छियावली मतलब कि आपकी घड़ी के हिसाब से एक सेकंड भी नहीं। एक आवली में यद्यपि असंख्य समय होते, पर समय काल का इतना सूक्ष्म परिणमन है कि अभी की घड़ियों के बस की बात नहीं है बता पाना। ये जो अपने वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होती हैं,
वहाँ की जिन घड़ियों के आधार से रॉकेट वगैरह छोड़े जाते, उपग्रह छोड़े जाते उन घड़ियों में, तो एक सेकंड का एक अरबवां हिस्सा, एक सेकंड का एक अरबवां हिस्सा, यदि घड़ी में वो सेकंड का कांटा ना हो ना, तो अपन तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कब सेकंड हो गया। वो तो सेकंड का वो घूमता रहता तो पता लगा लेते, और उस एक सेकंड का अरबवां हिस्सा, उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है नैनो सेकंड। फिर शोध खोज और चलती रही, फिर उस एक अरबवें हिस्से के भी और हिस्से किए, तो उसमें से एक हिस्सा निकाला और उसका 10,000वां हिस्सा, उसको उन्होंने नाम दिया पीको सेकंड। अभी तक यानी अभी से 10 साल पहले तक बस यहीं तक खोज हो पाई थी, और जो उपग्रह आदि छोड़े जाते हैं, मिसाइल आदि दागी जाती हो इस समय के अनुसार, उस पीको सेकंड में भी यानी एक सेकंड का 1,000वां हिस्सा और फिर एक हिस्से का 10,000, एक अरबवां हिस्सा और एक अरबवे का 10,000वां हिस्सा, उस एक पीको सेकंड में अपने भगवान के हिसाब से अभी असंख्य समय है। अब इससे अनुमान करिए कि भगवान के द्वारा बताया गया समय कितना सूक्ष्म। तो वो जो 6 आवली काल है, एक आवली में असंख्य समय, तो भी वो 6 आवली 1 सेकंड वाली नहीं है, उसमें भी अभी न जाने कितना भेद है। तो इतना छोटा, बस इतने से समय के लिए किसी जीव के ऐसा प्रसंग बन सकता है कि दर्शन मोहिनी नहीं है, अकेली वो अनंतानुबंधी विद्यमान, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय में भी विपरीत अभिनिवेश हो रहा है, तो इसलिए करणानु उसको बता देगा। करणानुओं की एक विशेषता होती है, यहां बहुलता आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। किसी भी प्रसंग में यदि कोई एक उदाहरण भी मिल गया तो करणानु तो वर्णन कर देगा, यानी किसी जीव के उतने समय के लिए एक स्थिति बन गई तो करणानु अलग गुणस्थान नाम दे देगा। द्रव्यानु नहीं कहेगा, वो कहेगा क्या गिनना इनको, जो सबके जीवन में आते नहीं है और किसी एक के में भी आएगा तो मात्र इतने से कम समय के लिए, तो क्या गिनना उसको। तो द्रव्यानु तो नहीं गिनेगा, पर करणानु कि अरबों खरबों में एक जीव भी यदि उस दशा को पा रहा तो करणानु तो गिना देगा, ये भी एक अलग गुणस्थान। ये चूंकि प्रकरण करणानु का है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व से रहित मात्र जो अनंतानुबंधी वाली स्थिति, उसको भी स्वतंत्र गुणस्थान नाम मिल गया है। तो दूसरा गुणस्थान कि जिसमें मिथ्यात्व तो नहीं है, अनंतानुबंधी वाला विपरीत अभिनिवेश है, तो वह एक स्वतंत्र गुणस्थान। पर शुरू में जो बात कही थी वो ध्यान में रखिएगा कि ये गुणस्थान इस क्रम से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न को स्थान नहीं देना कि अकेला मिथ्यात्व तो पहले नष्ट हो गया, अनंतानुबंधी बाद में नष्ट होगी, फिर सम्यक मिथ्यात्व तो और बाद में जाएगा, कि ऐसा नहीं है। यानी नष्ट होने और उत्पन्न होने की अपेक्षा क्रम थोड़ी है, ये तो जितने वो गुणस्थान बन गए हैं उन सबको पहले इकट्ठा किया है, फिर उनको क्रम से जमा रहे हैं, तो वहां ना उत्पत्ति का है ना प्रगटता का है, किसके बाद कौन सा प्रगट हो रहा, किस विकृति के बाद कौन सी विकृति नष्ट हो रही, ये वहां कुछ भी अपेक्षित नहीं है, बस सबको इकट्ठा करके उनको क्रम से जमाया है। ये ध्यान में रखेंगे तो ये प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। फिर भी आपको जिज्ञासा रहे तो एक शंका समाधान की व्यवस्था अपन ने बनाई है और कल से वो शुरू भी हो जाएगी, एक कॉपी भाई लोगों ने निश्चित की है, तो जिनको भी कुछ भी शंकाएं हों आप उसमें नोट कर दीजिए, क्रमशः फिर यहां से उनका समाधान
यथायोग अपनी शक्ति अनुसार देने का प्रयास करेंगे। यानी शंकाएं मन में ही मत रखिए, क्योंकि शंका एक ऐसी चीज कि वो अनेक अनेक दुविधाएं खड़ी कर देती, और जब तक उसका निरसन ना हो तो आगे का विषय भी समझना मुश्किल हो जाता, उसी में उपयोग घूमेगा। तो इसलिए शंकाएं रखिए बिल्कुल मत। जो भी शंकाएं आप कॉपी पे नोट कर दीजिए, जितना मुझसे संभव होगा जिनागम के आलोक में मैं अपनी पूरी शक्ति के अनुसार आपका समाधान देने का प्रयास करूंगी। और बाकी शास्त्र तो अगाध हैं, स्वयं भी अध्ययन करेंगे तो उससे भी समाधान मिलेगा, पर इतना तो कम से कम हो ही जाएगा कि अभी का आगे का विषय समझने के लिए दुविधा से दहित आपका मन हो जाए। तो उस योजना का आप लाभ उठाइए। कल से दोपहर को ही जो अपने 2:30 से शुरू होता है, तो अभी एक ही विषय 2:30 से 4 तक चलता था, अब कल से 2:30 से 3.5 यानी 1 घंटा वो विषय चलेगा, यानी द्रव्यानुयोग का कर्णानुयोग के साथ में समन्वय, और फिर आधा घंटा शंकाओं का समाधान, और यदि आप लोगों का धैर्य रहा तो 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर, मेरी ओर से कटौती नहीं होगी। अब आप लोग जितना सहयोग देंगे तो उतना आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब आज का आगे का विषय। अभी तक का निष्कर्ष अपन ने निकाला कि इसका मतलब गुण स्थान, कहने को तो गुण स्थान है, मूल में है दोषों के स्थान, यानी अशुद्धियों के कारण गुण स्थान बनते हैं। जो ये 14 भेद बने हैं ये अशुद्धियों के कारण बने हैं, शुद्धियों के कारण नहीं। मोह को अपन ने 10 भेदों में बांटा, सर्वत्र 10 भेदों में ये बटा नहीं मिलेगा, आचार्यों ने इसको भी संक्षिप्त किया है। आचार्य श्री कुंद स्वामी समय सार जी में 4 में लेते हैं, योग सहित इन्हें मिथ्यात्व, अभिरति, कषाय और योग, वे प्रमाद को नहीं लेते, और उनके ही शिष्य आचार्य श्री उमा स्वामी देव 5 लेते हैं, मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय और योग, और इनका ही विस्तार अपन ने 11 किया, क्योंकि अपने को वो गुण स्थान का क्रम बताना था, इसलिए तो एक एक से एक एक बन रहा इस अपेक्षा से। अभी अपन चर्चा ये करें कि वो 11 5वें अथवा 4वें कैसे गर्भित हो जाते, यानी आचार्य कुंद स्वामी के अनुसार 4वें और आचार्य उमा स्वामी के अनुसार 5वें। तो योग तो सीधा योग ही है, तो योग तो योग में चला गया, अब बाकी की समस्या रही। तो जब मिथ्यात्व, अविरमण और कषाय, मोह को इन 3 रूपों में विभक्त करते हैं, जो कि समय सार की शैली, वहां ये 3 ही मिलेंगे, तब मिथ्यात्व में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, इन्हें 3 विकृतियों का समावेश हो जाता। कौन कौन से 3? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, इन 3 विकृतियों का एक नाम हो जाता है मिथ्यात्व। तो गुणस्थान में जिनको अपन ने 3 में लिया, क्योंकि अलग अलग 3 गुणस्थान बन रहे थे, जब उनको संक्षिप्त करते हैं तो मिथ्यात्व में ये 3 विकृतियां समा जाती, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व। यदि गुणस्थान की अपेक्षा से लेंगे तो 1, 2 और 3, ठीक है। अब अभिरमण, आचार्य कुंद स्वामी अभिरमण नाम लेते हैं, तो अभिरमण
उसमें देखेंगे तो चूंकि अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्म चली गई, तो अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण ये 8 कषायें हैं। अप्रत्यक्षानावरण के क्रोधमान माया लोग और प्रत्यक्षानावरण के क्रोधमान माया लोग, इन 8 कषायों संबंधी विकृतियों का एक नाम पड़ता है अविरमण। इन 8 कषायों संबंधी विकृतियों का एक नाम अविरमण। अब जो संयुलन कषाय बची उसका नाम है कषाय, यानी कषाय में अकेली वो संयुलन कषाय ली जाती। तो इस तरह से जो ये अपन ने 10 भेदों में बांटे थे मोहिनी कर्म के विस्तार को, तो वे इन 3 में समा जाते। तो मिथ्यात्व में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, अभिरमण में अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण चौकड़ी मतलब 8 कषाय, और कषाय में संयुलन चतुष्क, बाकी 9 कषाय और सम्यक प्रकृति। चूंकि इनका मोक्ष मार्ग के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है तो उनको तो सर्वत्र गौण ही किया जाता। अब इनको गुणस्थानों के हिसाब से बांटेंगे तो कि पहले दूसरे तीसरे तक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में पहला दूसरा तीसरा, फिर अभिरमण में पहले से 5वें तक, यानी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण कषाय पहले से 5वें तक, फिर कषाय यानी संयुलन कषाय तो पहले से 10वें तक, संयुलन कषाय पहले से 10वें तक, और फिर योग पहले से 13वें तक। चूंकि वहां 14 गुण स्थान बताना उद्देश्य नहीं था इसलिए उन्होंने संक्षिप्तीकरण कर दिया, अपन अलग से 14 गुण स्थानों को ले रहे हैं, इसलिए विस्तार करके किससे कैसा गुण स्थान बनता है ये चर्चा बनने की। तो जब इन 4 में विकृतियों को समाहित करेंगे तो फिर इस तरह का विभाजन होगा कि पहले से 3 तक मिथ्यात्व, पहले से 5वें तक अभिरमण, पहले से 10वें तक कषाय और पहले से 13वें तक योग। ठीक है, अब ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी देव के द्वारा किए गए भेद, वे इनमें एक और शब्द देते हैं प्रमाद, और नाम भी थोड़ा सा अंतर डालते हैं। मिथ्यात्व कहने के स्थान पर वे मिथ्या दर्शन कहते हैं और अभिरमण के स्थान पर वे अविरति कहते हैं। एक प्रकार से पर्यायवाची है पर शब्दों का भेद है। तो मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय और योग, वे ये 5 नाम देते हैं। इनमें बाकी के 4 तो आचार्य कुंद स्वामी वाले ही हैं, एक प्रमाद और अलग से आ गया। तो इनका भी विभाजन देखें कि मिथ्या दर्शन में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 गर्भित हो जाएंगे, यानी इन 3 का एक नाम मिथ्या दर्शन। और अविरति में अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, इन संबंधी क्रोधमान माया लोभ मतलब ये 8 हो गई। तो इन 8 कषायों का एक नाम है अविरति। ठीक है, प्रमाद में संयुलन कषाय की कल्प ने 5 रूप देखे थे, यानी संयुलन कषाय 5 रूपों में अपना कार्य करती, तो उसका जो तीव्र उदय वाला भेद था उसका नाम यहां हो जाता है प्रमाद। संयुलन कषाय का तीव्र उदय वाला जो भेद है उसका नाम हो जाता है प्रमाद, और बाकी जो 4 भेद मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोभ,
इन चार का एक नाम कषाय, और योग तो योग में है ही। इस तरह से मिथ्या दर्शन में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, अभिरति में अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ और प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रमाद में संजुलन की तीव्रता और कषाय में संजुलन की मंदता, मंद तरदशा, मंद तम दशा और सूक्ष्म लोभ, वो योग में सीधा योग। इनको जब गुण स्थानों के अनुसार बांटेंगे तो मिथ्या दर्शन पहले से तीसरे तक, यानी वो अनंतानुबंधी का भी नाम मिथ्या दर्शन और सम्यक मिथ्यात्व वाले का भी नाम मिथ्या दर्शन, तो पहले से तीसरे तक मिथ्या दर्शन में आ जाएंगे। फिर अविरति में पहले से पांचवें तक, क्योंकि एक देश विरति को अलग से कोई स्थान नहीं है तो वो सीधा अविरति में ही गिन लिया जाता, तो अविरति में पहले से पांचवें तक, प्रमाद पहले से छठवें तक, कषाय पहले से दसवें तक और योग पहले से तेरहवें तक। इस तरह से 14 गुणस्थानों का विभाजन इन पांच में हो जाएगा। चूंकि वहां उन्हें गुणस्थानों को नहीं बताना था, बंद के कारणों को बताना था, इसलिए उस शैली को अपनाया। अपने को यहां वो 14 गुणस्थान देखने थे तो 14 कैसे बन रहे, इसलिए मोह का विस्तार दूसरी शैली से अपन ने किया। यहां तक ये एक विषय हुआ, यानी मोह और योग की तारतम्य रूप दशा को गुणस्थान कहते हैं, ये विषय। अब इसके बाद में आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीवकांड में गुणस्थान की जो सर्वांग परिभाषा दी उसकी चर्चा शुरू हो गई। यानी ये सर्वांग परिभाषा नहीं थी, ये तो सांकेतिक परिभाषा। गुणस्थान किसे कहते कि मोह और योग की तारतम्य रूप दशा को गुणस्थान कहते, सांकेतिक परिभाषा। मार्गना स्थान की वैसी सकम भवा, पर जैसे मार्गना स्थान की विस्तृत परिभाषा अभी जिनेश भैया ने बताई थी मार्गना स्थान की गाथा के आधार से, ऐसे ही यहां गुणस्थान की विस्तृत परिभाषा। ये जिनागम की क्या साहित्य मात्र की शैली होती है, किसी भी विषय को पहले अत्यंत संक्षिप्त में बता देते हैं फिर उसका विस्तार करते हैं। गुणस्थान भी एक विषय है तो पहले संक्षिप्त में बता दिया, अब उसका विस्तार कर रहे। तो गोमठ सार जीवकांड की 8वें नंबर की गाथा में गुणस्थान का विस्तृत स्वरूप, समग्र स्वरूप स्पष्ट किया है, अब उसे अपन देखते हैं। गाथा है, जे हिंदु लखिजन्ते उदयादिषु संभवेहि भावेहि जीवाते गुणसन्ना निदिक्ता सवदरेसिहि। मोहिनी आदि कर्मों की उदय आदि अवस्थाओं के होने पर होने वाले जिन भावों के द्वारा जीव लक्षित होते हैं, पहचाने जाते हैं, उन्हें सर्वज्ञ भगवान गुणस्थान कहते हैं। यानी गुणस्थानों की परिभाषा भावों की ओर से बनाई है। जब दुष्करण की चर्चा आई थी तो समय यही मैंने कहा था कि जब तक ये गुणस्थान का स्वरूप और भावों का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तो दसकरण स्पष्ट कैसे हो पाएंगे। यानी ये तो ऐसा हो गया कि अपने को एबीसीडी तो आती नहीं हो, सब इंग्लिश बोलना सिखा दो, स्पीच सिखा दो, एबीसीडी नहीं, वो तो बहुत कठिन है, वो नहीं आती।
कब स्पीच सीख जाएंगे, बस ऐसा ही है। यानी गुण स्थान और पांच भाव, इनका एक सामान्य सा स्वरूप जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक दशकरण का प्रकरण समझ में आना असंभव। शब्द तो याद कर सकते हैं क्योंकि छाया उस समय ज्ञान तो बहुत है, तो शब्द तो याद हो जाएंगे, पर क्या कहना चाहते उससे क्या है प्रक्रिया, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगी। या तो गुणस्थानों की परिभाषा ही भावों के आधार से बनाई है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा अपने को कर्मों को, किस कर्म का संबंध जीव के किस गुण के साथ है ये, और फिर किस कर्म में कौन सी दशा होती और उस संबंधित जीव का भाव कौन सा, ये समझना पड़ेगा। तो उपयोग थोड़ा सा एकाग्र करके समझिए। कर्म आठ ही नहीं होते हैं, ये तो एक विशिष्ट प्रयोजन को लेकर के आठ बताए हैं। वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण और परमाणुओं की ओर से देखें तो अनंत, पर ना तो अनंत समझ में आ सकते, कहना भी संभव नहीं, और ना असंख्यात लोक प्रमाण। तो एक सामान्य सा अपने को ज्ञान हो जाए, अनुमान ज्ञान, इसके लिए मध्यम शैली अपना करके मूल में आठ और फिर उनका विस्तार 148 में किया। पर इतने ही नहीं है, ये तो मध्यम शैली में समझ में आ जाए इसके लिए अपन भी अभी इन आठ की ही चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका चार्ट जैसा बनाते जाएं, एक एक विषय क्रम से लूंगी, तो चार्ट में ऐसा, यानी वो कल जैसा नहीं, ये लंबा लंबा अलग खंड बना के, यानी सारणी जैसी। तो पहला खंड क्रम का रखिए, तो उसमें आठ आएंगे क्रम, फिर दूसरा खंड कर्म का नाम, फिर तीसरा खंड कर्म की दशा, यानी किस कर्म में कौन कौन सी दशा होती, चौथा खंड उससे संबंधी जीव का गुण, पांचवा खंड जीव की कौन कौन सी दशाएं, मतलब भाव की चर्चा है ना, तो पांच भावों का विस्तार 53 भावों में, तो किन किन के साथ का संबंध, ये इस तरह से एक एक की चर्चा करेंगे। तो अभी तो एक एक को ही लेते जाएं, आगे के खंड अभी ऐसे छोड़ें, जैसे जैसे चर्चा आएगी तो फिर बाद में लिखते जाइएगा। अभी सबसे पहला कि आठ कर्म हैं, तो क्रम वाले खंड में क्रमशः आठ नंबर ये लिख करके तैयार रखिए। अब कर्मों के नाम, कर्मों के नाम का भी एक औचित्य है। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उनके क्रम का औचित्य गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ में 6 गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया, 15वीं से लेकर के 20वीं तक। तो उस औचित्य को ध्यान में रख करके अपन कर्मों को उस क्रम से ही लिखेंगे। तो आप क्रमशः एक एक नंबर के आगे लिखिए, ज्ञानावरण, वर्णीय नहीं वरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, ऐसे खड़े में लिखना, आड़े में नहीं, यानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाइए, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, शुद्ध नाम है आयुष्क, बोलचाल की भाषा में अपन आयु कह देते हैं, पर शुद्ध नाम है आयुष्क, आयुष्क नाम, गोत्र, अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क नाम, गोत्र, अंतराय, ये आठ कर्म। अभी इनके स्वरूप आदि पर
नहीं अपन जाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर एक गुणस्थान रह जाएगा, पांच भाव रह जाएंगे, फिर वो कर्मकांड की कक्षा हो जाएगी शुरू। अब इसके बाद ये देखते हैं कि आठ कर्मों में से किस में कौन कौन सी दशाएं होती, ये देखें। तो तीसरा खंड आप बनाइए कर्मों की दशाएं। तो इनमें ज्ञानावरण कर्म की तीन दशाएं, उदय, क्षयोपशम, क्षय, ज्ञानावरण कर्म की तीन दशाएं, यानी हेडिंग ऊपर लिखी है कर्म की दशाएं, और फिर एक एक कर्म के सामने लिखते जाइए। तो ज्ञानावरण कर्म की तीन दशाएं उदय, क्षयोपशम, क्षय। दर्शनावरण कर्म की भी यही तीन दशाएं, उदय, क्षयोपशम, क्षय। वेदनी कर्म की दो दशाएं, उदय और क्षय। वेदनी कर्म की दो दशाएं, उदय और क्षय। मोहिनी कर्म की चार दशाएं, मोहिनी कर्म की चार दशाएं, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। आयुष के कर्म की दो दशाएं, उदय, क्षय। आयुष के कर्म की दो दशाएं, उदय, क्षय। नाम कर्म की भी यही दो दशाएं, उदय, क्षय। गोत्र कर्म की भी यही दो दशाएं, उदय, क्षय। अंतराय कर्म की तीन दशाएं, उदय, क्षयोपशम, क्षय। अंतराय कर्म की तीन दशाएं, उदय, क्षयोपशम और क्षय। ये नोट कर लिया है सबने, अब इसको ही आपको विषय पक्का हो जाए इसलिए अपन थोड़ा दौड़ फिर करके घुमाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि उदय और क्षय रूप दशा तो आठों ही कर्मों में होती है, उदय और क्षय रूप दशा आठों ही कर्मों में, यानी आठों कर्मों का उदय भी रहता है, और जब ये जीव आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करता है तो आठों कर्मों का क्षय भी हो जाता। तो उदय और क्षय रूप दशा आठों ही कर्मों में होती, क्षयोपशम रूप दशा इस उदय और क्षय के साथ ही चार घाती कर्मों में, उदय और क्षय के साथ में क्षयोपशम रूप दशा चार घाती कर्मों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इन चार में उदय और क्षय के साथ ही क्षयोपशम रूप दशा भी होती, इन तीन के साथ ही एक उपशम रूप दशा मात्र एक मोहिनी कर्म में, यानी मोहिनी कर्म में एक उपशम रूप दशा और, यानी उदय भी, क्षय भी, उपशम भी और क्षयोपशम भी। तो उदय और क्षय रूप दशा आठों कर्मों में, चार घाती कर्मों में उदय और क्षय के साथ क्षयोपशम रूप दशा भी, और उनमें से मोहिनी कर्म में उदय, क्षयोपशम और क्षय के साथ ही उपशम रूप दशा भी, और उल्टे क्रम में ले तो ऐसा ले सकते कि एक मोहिनी कर्म में चार दशाएं, एक मोहिनी कर्म में चार दशाएं, उदय, क्षय, उपशम, क्षयोपशम। इसके बाद जो शेष तीन घाती कर्म रहे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनमें तीन दशाएं, उदय, क्षयोपशम, क्षय। और बाकी के जो चार अघाती कर्म रहे उनमें दो दशाएं, उदय और क्षय। यानी मोहिनी कर्म में चार दशाएं, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय।
ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में तीन दशा हैं, उदय छह, उपशम छह, और शीर्ष चार अघाती कर्म, नाम गोत्र वेदनी आयुष्ट, इनमें दो दशाएं हैं उदय और छह, यानी सबसे ज्यादा चार, सबसे कम दो, चार से ज्यादा नहीं और दो से कम नहीं। थोड़ा सा संक्षेप में उदय आदि भी समझ लें तो विषय आगे बढ़ाने में सुविधा रहेगी, सरलता रहेगी। कर्म की जो फल देने की शक्ति, यानी जिस तरह से वो काम करे, जैसे मान लो आग की उष्णता, तो उससे जल जाना, यानी उष्णता व्यक्त रहना, और अपन ने हाथ रख लिया भले धोखे से सही तो जल गए, इसे कहेंगे उदय। यानी उसका कार्य व्यक्त हुआ और उसका फल हमें बराबर मिल गया। ऐसे ही कर्मों की जो फल देने की शक्ति है, यानी उनकी प्रकटता होगी तो किस तरह का असर होगा, क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, तो उसका व्यक्त हो जाना उसे कहते हैं उदय। यानी उनकी जो काम करने की क्षमता है, फल देने की क्षमता है, फल देने की शक्ति है, उसका प्रकट होना, ये उदय। उस शक्ति का पूर्णतया नाश हो जाना, यानी वो कर्म ही अकर्म हो गया, वो कर्म समाप्त, उसे कहते क्षय। क्षय उपशम में कि कर्म की फल देने की शक्ति कुछ तो प्रकट रहे और कुछ अप्रकट रहे, यानी बीच की स्थिति, कुछ प्रकट रहे और कुछ अप्रकट रहे। इसको एक सामान्य से उदाहरण से समझे तो छह उपशम की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा है, किसी ने उसको कोई भी नशीली चीज खिला दी या पिला दी, मान लो भांग खिला दी अथवा अफीम खिला दी, मतलब कोई भी ऐसी नशीली चीज खिला दी, मां को पता लगा तो मां ने तत्काल ही उसके ऊपर उसे कोई खटाई, कोई खट्टी चीज पिला दी, नींबू का रस, इमली का रस, कुछ भी ऐसी खट्टी चीज पिला दी। अब वो पेट में दोनों चीजें जा रही हैं, नीचे मान लो वो अफीम पिलाई थी, अफीम खिला दी थी तो वो अफीम, और ऊपर से वो मान लो नींबू का रस पिला दिया है तो वो नींबू। ऐसा कहते हैं आयुर्वेद में कि अफीम आदि नशीली चीजों के ऊपर यदि खटाई पड़ जाए तो वो असर देने में समर्थ नहीं होते, वैसा नशा नहीं चढ़ेगा। माँ चतुर थी तो वो उल्टी तो संभव थी नहीं, वॉमिटिंग तो संभव नहीं थी, तो माँ ने वो तत्काल नींबू का रस उसको पिला दिया। अब वो पेट में दोनों चल रहे हैं एक साथ, तो चूंकि अफीम के ऊपर वो खटाई का रस चल रहा, इसलिए जितना नशा चढ़ना चाहिए था, जैसा वो गाफिल हो जाता बच्चा, बिल्कुल बेभान हो जाता, मदहोश हो जाता, वैसा तो नहीं हो पाया, पर पेट में पड़ा है ना, तो इसलिए उतना जागरूक भी नहीं है, यानी थोड़ी सी सुस्ती तो छाई है, यानी रोज जैसा जागरूक रहता, सतर्क होकर काम करता, आज वैसा नहीं है, तो पूरा मदहोश नहीं हुआ है, गाफिल नहीं हुआ है, इसका मतलब तो वो नशा कुछ काम नहीं कर पाया, अफीम कुछ काम नहीं कर पाई, पर रोज जैसी जागरूकता आज नहीं है, काफी कुछ एक गफलत जैसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब कुछ काम भी कर रही है। तो ये ऐसी जो बीच वाली दशा, यानी ना तो उसे हम बिल्कुल जागरूक कह सकते हैं और ना नशे में डूबा हुआ कह सकते हैं, ये स्थिति बनती है क्षयोपशम में। क्षयोपशम में एक साथ तीन काम चलते हैं, थोड़ी सी शास्त्रीय परिभाषा, घबराना नहीं, ध्यान में आ जाए तो ठीक, नहीं तो बस इस उदाहरण से समझने की कोशिश कर लेना,
पर दोहराती हूँ, क्योंकि काफी लोग स्वाध्यायी भी हैं यहाँ, तो दोहराती हूँ। किसी भी कर्म प्रकृति, एक और इसमें समझ लें कि क्षयोपशम एकमात्र घाती कर्म की देश घाती प्रकृतियों में होता है। क्षयोपशम एकमात्र घाती कर्म की देश घाती प्रकृतियों में होता। ये जो अपन ने अभी चार घाती कर्म देखे ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चार घाती कर्म, इन चार घाती कर्म की कुल प्रकृतियां हैं 47, ज्ञानावरण की 5, मत ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण आदि, दर्शनावरण की 9, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, स्थान वृद्धि आदि ये, मोहिनी की 28। ये तो अच्छे से याद हो ही गई क्योंकि यही अभी चर्चा हो चुकी, और अंतराय की 5। अंतराय की भी दोपहर की कक्षा में चर्चा आई थी थोड़ी सी, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, तो अंतराय की 5। सबको जोड़े तो हो जाती है 47, यानी ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5। इनमें से अंतराय की तो 5ों ही प्रकृतियां देशघाती। अभी देशघाती सर्वघाती क्या है थोड़ा सा इसे भी समझ ले। कर्णानियों का विषय ऐसा है कि एक समझने बैठे तो उसके लिए काफी कुछ समझना पड़ता, भाई आपके देखो कंप्यूटर जैसा है कि जो हमें वो माउस तो अच्छे से पता हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे, अकेला माउस कुछ नहीं कर पाएगा, कि नहीं हमें वो स्क्रीन का तो सब कुछ समझ में आने लगा, हो जाएगा काम, कि नहीं वो विंडो तो अच्छे से समझ में आ गई, कि कुछ नहीं होने वाला, यानी यदि चलाना है तो उसका सब कुछ समझना पड़ेगा, क्या विंडो है, क्या मेमोरी है, क्या हार्ड डिस्क है और क्या क्या सब पूरा पूरा समझेंगे तब कहीं काम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो ना जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे, यानी कुछ फीड करने बैठेंगे और सारा डिलीट कर बैठेंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसे ये कर्णानियोग का है, यानी कोई भी एक विषय छेड़ो तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जब तक उनको सामान्य नहीं जाने तो विषय आगे बढ़ना असंभव हो जाता, ये जो जटिलता भी आ जाती है ना इसमें, बस उसका ये कारण। कंप्यूटर समझना जटिल क्यों हो जाएगा, कि वो कंप्यूटर के पीछे आपको इतना समझना पड़ेगा, मेमोरी सीट क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, सॉलिड डिस्क क्या है, माउस क्या है, स्क्रीन क्या है, कितना कितना समझना, विंडो क्या कहलाती, कि हे भगवान हम तो अकेले कंप्यूटर सीखने बैठे थे, इन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ उलझा दिया, कि वो कंप्यूटर के ही अंश है, उसके बिना कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ, तो ये जो चार घाती कर्म, उसमें देशघाती और सर्वघाती। ये देशघाती सर्वघाती क्या होता, कि कुछ ऐसी प्रकृतियां कि जिनका उदय रहने पर उस संबंधी गुण का कुछ ना कुछ विकास चलता रहे, जिन प्रकृतियों का उदय रहते हुए भी उस संबंधी गुण का कुछ ना कुछ विकास चलता रहे, वे प्रकृतियां देशघाती। और कुछ ऐसी प्रकृतियां कि जिनका उदय रहने पर उस संबंधी गुण का बिल्कुल भी विकास ना हो, यानी बिल्कुल ऐसा लगने लगे जैसे वो गुण है ही नहीं, वे कहलाती है सर्वघाती। नाम से स्पष्ट है अर्थ, सर्वघाती यानी सबको घातने वाला, यानी जब तक उस संबंधी कर्म का उदय है तो उस गुण का कुछ विकास नहीं होगा। और देशघाती, देश का अर्थ होता अंश, वो एक देश संयम होता ना, एक देश संयम मतलब अंश मात्र, तो आंशिक घात करे, कुछ प्रकट रहा आवे, वो देशघाती। ये देशघाती और सर्वघाती भेद मात्र घाती कर्म में, घाती कर्म के अभी अपन ने 47 भेद देखे, तो बस उनमें।
उनमें से 21 प्रकृतियां हैं सर्वघाती और 26 प्रकृतियां हैं देशघाती। कुल 47 थी ना, तो 47 में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती और 26 प्रकृतियां देशघाती। कौन कौन सी, तो एक एक कर्म के हिसाब से अपन देख रहे हैं। ज्ञानावरण की कुल 5 थी, इनमें से शुरू की 4 यानी मत ज्ञानावरण, सुरत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण, ये 4 हैं देशघाती। ज्ञानावरण की शुरू की जो 4 प्रकृतियां ये देशघाती और केवल ज्ञानावरण ये सर्वघाती। इसलिए केवल ज्ञान कभी आधा अधूरा नहीं होता, मत ज्ञान आदि में तो हो जाएगा, यानी हमें कोई चीजें याद रहती भी और कुछ नहीं भी रहती तो उसमें तो चल जाएगा, पर केवल ज्ञान में भी कि कुछ जानने लगे हम कि सारा लोकालोक और फिर कुछ विस्मृत हो जाए कि उसमें नहीं होता, वो सर्वघाती है। तो वो तो जब तक रहेगी तब तक केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से ज्ञानावरण की 4 प्रकृतियां देशघाती और केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। अब दर्शनावरण, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, तो उनमें से जो 4 दर्शन संबंधी हैं यानी चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, तो इनमें से शुरू के 3 यानी चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये 3 प्रकृतियां हैं देशघाती। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये 3 प्रकृतियां देशघाती। और बाकी 6 प्रकृतियां यानी केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा, ये जो नींद आती ना ये दर्शनावरण की बुलाई में, तो 5 प्रकार की होती है नींद, स्त्यान ग्रद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये जो झपकी आने लगती है ना ऊँघने लगती जो, ये प्रचला नाम की निद्रा कहलाती है। यानी कुछ जग भी रहे, कुछ सो भी रहे, तो कुछ पता भी रहता क्या विषय चल रहा, पूछो क्या बताए बोलो, बता भी देते और फिर भी नींद भी निकल जाती। तो ये सबसे हल्के स्तर की नींद कहलाती ऊँघना आदि प्रचला निद्रा, यानी सबसे मंद नींद, फिर और उत्तरोत्तर गहरी होती जाती। तो ये 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण, ये 6 प्रकृतियां हैं सर्वघाती, यानी इनका उदय रहते दर्शनोपयोग सामान्य भी किसी भी वस्तु का नहीं हो पाएगा। और जो 3 थी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये देशघाती। तो ज्ञानावरण में 4 देशघाती, 1 सर्वघाती, दर्शनावरण में 3 देशघाती, 6 सर्वघाती, ठीक। अब हम मोहिनी, मोहिनी का तो बराबर बराबर का चक्कर है, इसमें कुल 28 प्रकृतियां, तो 14 देशघाती और 14 सर्वघाती। अब कौन कौन सी, जो वो अपन ने पहले 10 निकाली थी ना, यानी सम्यक प्रकृति और 9 नौकाशाएं, तो 10 तो ए और संयोजन 4, संयोजन क्रोधमान माया लोभ, तो ये 14 तो है देशघाती, यानी सम्यक प्रकृति 1, 9 नौकाशाएं 9, तो 9 × 10 और संयोजन संबंधी 4, तो 14, तो ये 14 तो है देशघाती। और शेष जो 14 बची, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क और प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, तो ये जो 14 बची ये 14 है सर्वघाती, यानी इनका उदय रहेगा तो संबंधी गुण बिल्कुल विकसित नहीं होगा। और जो देशघाती कि इनका उदय होगा तो भी उस संबंधी गुण विकसित हो जाएगा।
तो इस तरह मोहिनी की बराबर बराबर यानी 14 देशघाती और 14 सर्वघाती। अब अंतराय, अंतराय कर्म की पांचों ही प्रकृतियां देशघाती। मुझे अपन ने दोपहर को चर्चा की थी ना, तो समय बिंदु आया था कि भगवान आपने तो मुझे पूर्णतया देशघाती कहा है, मैं कमजोर हूं इसलिए सबसे अंत में रखा, तो मैं परेशान कैसे करता होऊंगा। अंतराय कर्म की पांचों ही प्रकृतियां देशघाती, उनमें कोई सर्वघाती प्रकृति नहीं है। तो इस तरह ज्ञानावरण की 1, दर्शनावरण की 6, मोहिनी की 14, तो 14 और 6 20 और 21, ये 21 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। और ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 3, वो दर्शन ज्ञानावरण की 5 में से 4 और दर्शनावरण की 3, तो 4 3 7 और मोहिनी की 14, तो 14 और 7 21 और अंतराय की 5, तो 21 और 5 26, ये 26 प्रकृतियां हैं देशघाती। इस तरह से घाती कर्म की 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती और 26 प्रकृतियां देशघाती। इनमें एक विशेषता कि सर्वघाती प्रकृतियों में पूरे के पूरे परमाणु अकेले सर्वघाती रूप होते और देशघाती प्रकृतियों में दोनों रूप होते, यानी देशघाती वाले भी और सर्वघाती वाले भी। सर्वघाती प्रकृतियां जो 21, उनके पूरे के पूरे परमाणु प्योर सर्वघाती, और देशघाती प्रकृतियों में कुछ देशघाती रूप भी और कुछ सर्वघाती रूप भी। इनके फल देने की क्षमता से भी अपन और स्पष्टता से समझ सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन है इनका, तो सीधा सीधा फल तो समझ में आना कठिन। तो आचार्यों ने अन्य चीजों से पिटाई करने से कितनी चोट आएगी, उन उदाहरणों से घातीय कर्मों को समझाया, उनकी फल देने की शक्ति को। तो नाम दिए 4, लता, दारू, अस्थि और शैलखंड। लता मतलब बेले, तो बेल से पिटाई करें, वैसे भी लुंजर पुंजर होती लता, जो बेलें होती ना अपनी, ककड़ी की हो, खीरा की हो, सेम की हो, देखो पतली पतली रहती, कोई अपने लौकी आदि की भी देखो पतली पतली रहती, तो वैसी वो लुंजर पुंजर, अब उससे पीटे तो वहां तक जाएगी तो उसमें झुक जाएगी वो, तो कितनी सी चोट आएगी। तो इस तरह की शक्ति, ये सबसे कम, फिर उससे ज्यादा कि देवदारू, दारू मतलब देवदारू, ये जो सीधे सीधे पेड़ होते ना देवदारू के, बांस नहीं, अच्छे जिसके बेंत बनते हैं देवदारू की लकड़ी, अपने नासिक तरफ तो बहुत है ना उसके पेड़, देवदारू की लकड़ी बिल्कुल चिकनी, जिससे बेंत वगैरह जो पुलिस लिए रहती बुबाने, तो वो देवदारू की लकड़ी, तो उससे पिटाई करें तो ज्यादा चोट आएगी, तो इसकी अपेक्षा उसमें ताकत अधिक। फिर इसके बाद में अस्थि यानी हड्डी, हड्डी तो और मजबूत होती, तो उससे किसी को पीटे तो और ज्यादा चोट आएगी। और फिर शैलखंड यानी अच्छी बड़ी चट्टान, उससे पीटेंगे तो तब तो बेचारे का कचुमर ही निकल जाएगा। तो जैसे इन चीजों से पीटा जाए तो चोट अधिक अधिक लगती है, ऐसे ही देशघातियों के उदय का कार्य। देशघाती में सर्वघाती के भी परमाणु रहते हैं, तो उसमें 4 भेदे हो जाते, लता जैसे, दारू मतलब देवदारू जैसे, अस्थि जैसे और शैलखंड जैसे। तो इनमें से लता जैसे परमाणु तो पूर्णतया देशघाती,
और जो देवदारू जैसे परमाणु हैं उनका छोटा सा अंश देशघाती रूप होता है और बाकी होता है सर्वघाती रूप। और इससे आगे का फिर अस्थि और शैलखंड वाला ये पूरा का पूरा सर्वघाती रूप। इस तरह से देशघाती में सर्वघाती भी है और देशघाती भी है, इसलिए छह उपशम मात्र इनमें बनता। ये ख्याल में रहे तो ठीक है और नहीं रहे तो चूंकि पहली बार सुन रहे हों, पहली बार ही अभी शब्द कान में पड़े हों तो घबराना नहीं है। मात्र वो छयोपशम क्या होता है उसको बताने के लिए इतना लेना पड़ा है। अब अपन मूल पे आ जाएं, वो अपना खटाई वाला समय तो हो गया, आगे करेंगे चर्चा, समय तो हो गया पूरा, आगे देखेंगे कल। चलिए प्रश्न के लिए, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के अनुसार और आचार्य उमा स्वामी के अनुसार बताए गए कर्म बंध के कारणों को चौदह गुण स्थानों में विभक्त कीजिए। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी के अनुसार चार और उमा स्वामी आचार्य के अनुसार पांच, तो उनको लेना। अगला, कर्म के आठ भेद बताते हुए किस कर्म में कितनी और कौन कौन सी दशाएं, कितनी और कौन कौन सी दशाएं होती हैं यह भी बताइए। अगला, गुणस्थानों को मिथ्यात्व आदि के क्रम से रखने का कारण बताइए। बस